भाई दीपिका पादुकोण की शादी की खबरें लगातार आ रही है, लेकिन हाल ही में दीपिका ने अपनी शादी के सवाल पर दिया है धमाकेदार रिएक्शन। साथ ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं और ये भी बताया है कि उन्होंने पद्मावत के बाद से कोई फिल्म आखिर क्यों साइन नहीं की और रणबीर कपूर को लेकर के उन्हें कौन सी ऐसी बात कही है जो आज तक उन्होंने किसी के सामने नहीं कबूली। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। दीपिका पादुकोण ने फिल्म पद्मावत के बाद कोई फिल्म साइन नहीं की है। कहा जा रहा था कि वो विशाल भारद्वाज की फिल्म सपना दीदी में नजर आएंगी, लेकिन अब खबर है कि उन्होंने सपना दीदी छोड़ दी है। सूत्रों का कहना है कि दीपिका ने विशाल भारद्वाज को साइनिंग अमाउंट भी वापस कर दिया है। इस फिल्म को छोड़ने की वजह दीपिका ने इरफान खान और पर्सनल कमिटमेंट को बताया है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि दीपिका नवंबर में शादी करने वाली है। साथ ही इरफान खान को भी अभी ठीक होने में काफी वक्त लग सकता है, जिसकी वजह से दीपिका ने फिल्म से किनारा कर लिया है। जबकि दीपिका ने अपने एक इंटरव्यू में फिल्म छोड़ने की बात पर कहा है कि उन्होंने फिल्मों से ब्रेक लिया है, इसलिए अब तक कोई फिल्म साइन नहीं की है। अब ये बात तो हर कोई जानता है कि ये दोनों पिछले 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और अब जाकर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया है। एक इंटरव्यू में दीपिका ने अपनी शादी से जुड़ी अफवाहों को लेकर रिएक्शन दिया है और कहा है कि मैं शादी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूं। वहीं एक फैशन मैगजीन से बातचीत में दीपिका का फरहा खान ने भी इंटरव्यू लिया था। इंटरव्यू में फरहा ने दीपिका से कहा कि क्या वो फ्लर्ट है और दूसरों का मजाक बनाने वाली है। इस पर दीपिका ने कहा कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर ही उनसे बात करते हैं। इस पर दीपिका ने कहा कि रणबीर कपूर भी उनसे कहा करते थे कि तुम एक फ्लर्ट हो। दीपिका के मुताबिक रणबीर कपूर ऐसे पहले शख्स थे जिसने इतनी हिम्मत की थी ये बात सीधे उनके सामने कहने की। अब दीपिका फिल्मों से दूर वेकेशन पर है और शादी को वो सीक्रेट रख रही है। आखिर दीपिका पद्मावत के बाद कौन सी फिल्म साइन करेंगी और क्या वो वाकई में 20 नवंबर को रणबीर सिंह से शादी कर लेंगी, ये जानने के लिए आपको करना होगा नवंबर तक का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।